दोस्तों आईपीएल का 18वां मुकाबला दो तगड़ी और जबरदस्त टीम मुंबई और बैंगलोर के बीच ये मैच खेला गया। टॉस हारने के बाद मुंबई की शुरुआत तो जबरदस्त थी, लेकिन फिर जैसे ही रोहित शर्मा का विकेट गिरा वहां से मुंबई की विकेटों की झड़ी लग गई। 50 में मुंबई ने पहला विकेट गंवाया और 62 के स्कोर तक टीम के 5 खिलाड़ी पवेलियन जा चुके थे, लेकिन इस सबसे सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी पर कोई फर्क नहीं पड़ा और 37 गेंदों पर 68 रनों की धाकड़ पारी खेलकर टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। मुंबई ने 151 रन बनाए, आरसीबी को जीत के लिए 152 रनों की दरकार थी। वही दोस्तों इस आईपीएल मैंने विंसो ऐप में फैंटेसी टीम बनाकर काफी पैसे जीते हैं। मुझे ये ऐप काफी पसंद है क्योंकि इस ऐप में आप एक्सपर्ट्स की मदद लेकर अपनी फैंटेसी टीम बना सकते हो और आसानी से पैसे जीत सकते हो। चेन्नई और हैदराबाद के मैच में भी मैंने विंजो के एक्सपर्ट की टीम चुनी, जिस वजह से मुझे काफी फायदा हुआ। विंजो में खेलना भी आसान है, आपको बस फैंटेसी और टैब में जाकर एक्सपर्ट्स की टीम को सपोर्ट करना है और फिर मैच देखो बिना टेंशन के। ये ऐप एकदम सिक्योर भी है, तो अभी जाओ नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करो विंजो और तुरंत पाओ ₹50 बोनस कैश भी। दोस्तों स्कोर का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम की शुरुआत तो बेहद ही धीमी थी, लेकिन फिर टीम ने कोई विकेट नहीं गवाया था। इसके बाद 50 के स्कोर पर भले ही टीम को पहला झटका लगा, लेकिन अनुज रावत आज अलग ही फॉर्म में लग रहे थे। अनुज ने विराट कोहली के साथ मिलकर शानदार साझेदार निभाई और मुंबई की टीम को मैच में वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। विराट कोहली भी शानदार लय में लग रहे थे, दोनों ने मिलकर आरसीबी को इस मैच में आसानी से जीत दिला दी। दोस्तों क्या मुंबई इस साल प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।